स्टूडेंट्स, सो टुडे इन आर किचन वी आर प्रिपेयरिंग अ फ्रेंच कुजीन. ठीक है, एक फ्रेंच कुजीन का डिश है जिसका नाम है वेजिटेबल ऑगरिथम. ठीक है, जो कि एक मेन कोर्स की डिश है. इसको जो हम सर्व करते हैं वो ब्रेड के साथ सर्व करते हैं. ठीक है, ब्रेड में हमारे पास वैरायटीज हैं. पीता ब्रेड, इसमें एक कॉन्टिनेंटल हमारी ब्रेड होती है जिसके साथ हम इसको सर्व करते हैं. ठीक है, मेन कोर्स में हम देते हैं इसको. ठीक, अब इसकी प्रिपरेशन क्या होती है. सबसे पहले हमारे पास वेजिटेबल्स है, कैरेट, बीन्स, कॉलीफ्लावर, ग्रीन पीस एंड पोटैटो. ठीक है, अब क्या करना है आपको. सबसे पहले हमारे पास इसकी कटिंग है, जो ये डाइस कटिंग है. अब इसमें डाइस, आपका स्क्वायर, आपका ट्रायंगल, ये सारी कटिंग्स है. तो हम इसको क्या बोलते हैं, जो यूनिफॉर्म शेप कटिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, पाइसेन. पाइसेन, ठीक है. तो पाइसेन कटिंग है, सारे यूनिफॉर्म शेप्स हैं, मतलब अलग अलग प्रकार है. कोई राउंड है, कोई सर्कल है, कोई आपका स्क्वायर है, कोई ट्रायंगल है. ठीक है, तो इस तरीके से यूनिफॉर्म शेप्स, अलग अलग प्रकार की कटिंग है. ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या करना है, जितनी भी हमारे वेजीज हैं इसको बॉयल करना है. ठीक है, अब बॉयल क्यों करना है, क्योंकि जब हम ऑगरिथम तैयार करेंगे, इसको बेक करेंगे, तो बेकिंग के टाइम आपकी वेजिटेबल पूरी तरीके से बेक नहीं हो पाएगी. ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पहले से बॉयल कर लेंगे. ठीक है, होटल्स में भी जनरली आप जब डिशेज तैयार होती हैं उससे पहले वो प्री कुकड होती हैं. आपने गर्म कर लिया, पानी उबाल दिया. उबालने के बाद सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सॉल्ट. क्या करेंगे, ऐड सॉल्ट, अराउंड हाफ स्पून आप इसमें सॉल्ट को ऐड करेंगे. ठीक है, इसको ढक्कन लगा दिया. पोटैटोस, ठीक है, क्योंकि पोटैटोस जो हैं वो पकने में टाइम लेंगे. तो सबसे पहले आपने क्या ऐड करा, पोटैटो. हमारे कैरेट्स और बीन्स की कटिंग है वो इसमें ऐड कर देंगे. अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी ग्रीन पीस, ठीक है, ग्रीन पीस मटर, अब वो हम इसमें ऐड कर देंगे. ऐड करेंगे जो लास्ट में कॉलीफ्लावर, इसको ऐड कर दें. पहले बनाएंगे व्हाइट सॉस. क्या बनाएंगे, व्हाइट सॉस. ठीक है, व्हाइट सॉस की रेसिपी वासुदेव क्या बताया था बेटा कल. ओके, कितना, इक्वल क्वांटिटी ऑफ बटर एंड फ्लावर इज कॉल्ड रू. क्या बताया, रू, आर ओ यू एक्स, रू. ठीक है, तो इन दोनों की बराबर मात्रा को हम एक बेसिकली रू तैयार करेंगे. ठीक है, एक पेस्ट बोल सकते हैं आप उसको. ठीक है, उसके बाद उसमें मिल्क ऐड होगा. मिल्क ऐड होने के बाद हम उसको अच्छे से विस्क करेंगे, फेंटेंगे, काफ़ी देर पकाएंगे. पकाने के बाद उसमें हमारे पास सीजनिंग है, ये सीजनिंग जो फ्लेवर को इंक्रीज़ करती है, टेस्ट को इंक्रीज़ करती है आपके. 50 ग्राम आपका, 50 ग्राम ऑफ बटर. देखो हमने इस पर स्प्रिंकल करना है और इसको मिक्स करना है. ठीक है, बस आप रोक दो. अब इसको क्या करना है, इस तरीके से विस्क करना है. ठीक है, करो ऐड करो. अब एक बारी में सारा नहीं डालना, एक्चुअल क्या है कि हमें क्वांटिटी का ध्यान रखना. ठीक है, ये वेजीज आपकी क्या हो गई, बॉयल हो चुकी है. ठीक है, अब मैं एक्चुअली में वैसे क्या किया जाता है, जब वेजिटेबल बॉयल करते हैं उसको ब्लांचिंग की जाती है. ब्लांचिंग का मतलब होता है कि वेजिटेबल को बॉयल करने के बाद हम उसको ठंडे पानी में निकाल लेते हैं, ठंडी या ठंडा पानी उसके ऊपर पोरिंग कर देते हैं. करो ऐड, गर्म तो नहीं है. थोड़ा थोड़ा मात्रा में मिल्क ऐड करना है और थोड़ा थोड़ा इसको विस्क करना है, कि मीन्स इसमें लम्स ना बने, जो पकाना है बस. ठीक है, ज़्यादा नहीं करना क्योंकि चीज़ के अंदर भी थोड़ा सॉल्ट है, कम यूज़ करना है. और पेपर, पेपर कौन सा आपका, ब्लैक पेपर बॉयल करी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे. वेजिटेबल ऐड करने के बाद अब जो आपका वुडन ये स्पैचुला है, वुडन स्पून है, उसकी मदद से हम इसको मिक्स करेंगे. क्या करेंगे, हल्का सा इसमें कुक. ठीक है, उसके बाद आपका ये बेकिंग, बेकिंग भी कुकिंग मेथड है, एक तरीका है खाने का, बनाने का, है ना. ये चीज़ ऐड करी, क्या हो रहा है, देखो रेसे आ रहे हैं, वो चीज़ के हैं बेकिंग के टाइम और 10 मिनट के लिए. पर मैं थोड़ा इसका टेम्परेचर बढ़ा, बैट तैयार करेंगे इसके ऊपर. ठीक है, चीज़ को स्प्रेड करेंगे इसमें. इसको बाहर निकाला, उसके बाद इसको यहाँ पे रखा, ये करा और ये